खास खबरों की ओर। गाड़ियों में तोड़फोड़ के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने सिंघम स्टाइल में लेकर गई जिला न्यायालय। विगत दिनों मध्यरात्रि में लगभग आधा दर्जन से अधिक चार पहिया वाहनों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई, जिसके संबंध में सिटी कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध भी किया गया था। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस आरोपियों की सर्चिंग कर रही थी, जिसमें आज उक्त आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। सिटी कोतवाली प्रभारी विवेक अस्थाना ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले दो युवक थे, जिनके नाम दीपक रघुवंशी एवं विशाल रघुवंशी बताए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस इन्हें गुना लेकर पहुंची है। साथ ही यहां एक नई चीज जो इस मामले में देखने को मिली वही है कि पुलिस द्वारा इन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए सिटी कोतवाली से पैदल न्यायालय तक ले जाया गया, जिसे पुलिस का सिंघम स्टाइल कहा जा सकता है। वहीं सिटी कोतवाली प्रभारी विवेक अस्थाना से जब इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि शायद थाने के वाहन कहीं ना कहीं व्यस्त थे और वाहन उपलब्ध न होने की शक्ल में इन्हें पैदल न्यायालय में पेश किया गया। अभी कुछ दिनों पहले रात्रि के समय शहर में तीन चार जगह गाड़ियों की तोड़फोड़ की घटना घटित हुई थी। वहाँ आरोपियों द्वारा कुछ जगह पैसे की भी डिमांड की गई थी, अड़ीबाजी जिसे बोला जाता है, धमकी देकर वैसी घटना घटित करी थी आरोपियों ने। तो इसके संबंध में तत्काल उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करे गए थे और लोकेशन के आधार पर, लगातार मुखबिरी और लोकेशन के आधार पर आज आरोपी विशाल रघुवंशी और दीपक रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध जो प्रकरण पंजीबद्ध थे अड़ीबाजी के दो प्रकरण और धमकी देने का एक प्रकरण है, तो उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और आरोपियों को न्यायालय पेश किया। जुलूस टाइप का हो सकता है, वाहन नहीं, जुलूस नहीं है, वाहन नहीं होगा थाने को, हो सकता है कोई दूसरे कार्य से वाहन गया नहीं हो उस समय मौजूद, कोई सुबह उपलब्ध नहीं हो पाई हो तो जवानों के साथ कोर्ट भेज दिया गया होगा।